हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले वीडियो में हमने ITCZ एंड इम्पैक्ट ऑफ ITCZ ऑन इंडियन मॉनसून, इनके बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम जेट स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे, जेट स्ट्रीम एंड रोल ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन इंडियन मॉनसून। ठीक है, तो ये सभी जो है, ये ITCZ है, जेट स्ट्रीम है, इनके बाद हम एलिनो, लालिना एंड इनसो, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये मेनली आपके इस चैप्टर से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे एज ए जेट स्ट्रीम ये क्या है, ऐसे आ सकते हैं। ITCZ ये क्या है, ऐसे आ सकते हैं। एंड रोल ऑफ दिस ऑन इंडियन मॉनसून, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम ये क्या है? द जेट स्ट्रीम इज अ जियोस्ट्रॉपिक विंड। जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या है? कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इन दोनों को बैलेंस करके ये जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है ये बहते हैं। ये मेनली हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, मतलब प्रेशर का ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का जो लाइन होता है वो जैसे होता है वैसे ही ये जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है ये बहते हैं। ठीक है, तो ये जेट स्ट्रीम जो है ये है जियोस्ट्रॉपिक विंड, एंड दिस ब्लो हॉरिजेंटली थ्रू द अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये जो एटमोस्फियर का ये जो लेयर है, जैसे सबसे पहला जो सरफेस से सबसे पहला जो लेयर होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर। ऐसे अगर आप देखोगे तो लेयर ऐसा होता है, जैसे ये मानो सरफेस, इनके ऊपर का ये जो लेयर है ये ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, उनके ऊपर थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है, ऐसे कर करके जो मतलब ये जो एटमोस्फियर का ये जो लेयर है ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो जेट स्ट्रीम जो है ये मेनली ट्रोपोस्फियर के ऊपर से बहते हैं। ठीक है, अपर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर, मतलब ट्रोपोस्फियर के अपर लेयर के ऊपर से ये हॉरिजेंटली बहते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 20,000 to 50,000 feet। ठीक है, एंड वेस्ट से ईस्ट के तरफ ये बहते हैं। इनका वेस्ट ईस्ट अगर आप देखोगे, ये अगर मानो ये पृथ्वी है, ठीक है, एंड इनका वेस्ट है ये एंड ईस्ट है ये, एंड ये जो जेट स्ट्रीम है वेस्ट से ईस्ट के तरफ ऐसे बहते हैं एज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 20,000 to 50,000 feet। मतलब 20,000 to 50,000 feet ये मतलब इतने हाइट में ये जेट स्ट्रीम जो है ये बहते हैं। डेवलप वेयर एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर मीट। तो ये उस जगह पे डेवलप होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर मीट करते हैं, जैसे कोल्ड टेम्परेचर एंड हॉट टेम्परेचर का जो एरिया होता है, ये दोनों जो एरिया जिस जगह पे मीट करते हैं उस जगह से ये जो है ब्लो करते हैं। एंड सर्फेस टेम्परेचर डिटरमाइन वेयर द जेट स्ट्रीम विल फॉर्म। ग्रेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर, फास्टर इज द विंड वेलोसिटी इन साइड द जेट स्ट्रीम। तो सर्फेस टेम्परेचर जो होता है, मतलब पृथ्वी का सर्फेस जो टेम्परेचर होता है वो ही मतलब उसके ऊपर ही निर्भर है कि जेट स्ट्रीम किस जगह पर फॉर्म करेगा। एंड इन टेम्परेचर का डिफरेंस जो है, अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, विंड वेलोसिटी इन साइड द जेट स्ट्रीम विल बी फास्टर। तो जेट स्ट्रीम के अंदर का जो विंड वेलोसिटी होता है, मतलब कितने वेलोसिटी में विंड जो है बहेगा, ये फास्टर होगा, मतलब ज़्यादा होगा अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो। ठीक है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम 20 degree लैटिट्यूड टू द पोल्स इन द बोथ हेमिस्फीयर। तो पोल्स के जो 20 degree लैटिट्यूड्स के आसपास ही ये बहते हैं। जैसे अगर ये अगर ये मानो पृथ्वी है एंड ये है मिडिल का इक्वेटर, ये है 0 degree, ये है 0 degree, एंड 0 से 20 degree के आसपास ऐसे ये जो विंड है ये बहते हैं। ठीक है, एंड स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 100 किमी पर आवर इन समर टू अबाउट 184 किमी पर आवर इन विंटर। तो इनका जो स्पीड है, मतलब कितना स्पीड में ये विंड बहेगा, ये जो समर के टाइम में होता है 110 किलोमीटर पर आवर, एंड विंटर के टाइम में होता है 184 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम मेनली है जियोस्ट्रॉपिक विंड। जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या है? जो कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इन दोनों को बैलेंस करके जो विंड मतलब बहते हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जैसे प्रेशर का ग्रेडियंट जैसा होता है उनके ऊपर ही मतलब निर्भर करके उस तरफ ही ये जेट स्ट्रीम जो है ये बहते हैं। नेक्स्ट क्या है? जेट स्ट्रीम ब्लो हॉरिजेंटली, मतलब ये सरफेस के ऊपर हॉरिजेंटली बहते हैं अपर ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर का जो लेयर होता है एटमोस्फियर में, सरफेस से ऊपर का जो लेयर होता है, सरफेस के एकदम पास ही जो लेयर होता है ट्रोपोस्फियर, उनके अपर पार्ट से ये जेट स्ट्रीम जो है बहते हैं। एंड जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर का जो एयर मासेस होता है मीट करते हैं उस जगह पे ये
डेवलप होता है, जैसे हॉट टेम्परेचर कुछ जगह पे होता है, जैसे इक्वेटोरियल पार्ट में होता है हॉट टेम्परेचर, उनके ऊपर का पार्ट में होता है, पोल के पार्ट में होता है कोल्ड टेम्परेचर। तो इन दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है इन दोनों एरिया के मिडिल में ये बहते हैं, मतलब दो एयर मासेस जो अलग अलग टेम्परेचर का हो जिस जगह पे मतलब मीट करते हैं, मार्ज होते हैं एक साथ, उस जगह पे ये जेट स्ट्रीम जो है ये डेवलप करते हैं। एंड सरफेस टेम्परेचर जैसा है उनके ऊपर ही ये जेट स्ट्रीम कैसा होगा, मतलब कैसे फॉर्म करेगा ये निर्भर करते हैं। एंड जेट स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है समर के टाइम में 110 किलोमीटर पर आवर एंड विंटर के टाइम में 184 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है ये सब जो है ये जेट स्ट्रीम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जेट स्ट्रीम क्या है एंड ये कैसे कैसे बहते हैं, वेस्ट से ईस्ट के तरफ ये बहते हैं एंड ऑल्टीट्यूड कितना हाइट में ये बहते हैं, 20,000 to 50,000 feet इतना हाइट में ये बहते हैं वेस्ट से ईस्ट के तरफ। ठीक है, तो एक गया जियोस्ट्रॉपिक विंड है जेट स्ट्रीम एंड वेस्ट से ईस्ट के तरफ ये बहते हैं एंड हॉरिजेंटली बहते हैं इन अपर ट्रोपोस्फियर लेयर, मतलब अपर ट्रोपोस्फियर में ये हॉरिजेंटली बहते हैं। एंड सरफेस टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करके ये जेट स्ट्रीम कैसा फॉर्म करेगा ये निर्भर करते हैं सरफेस टेम्परेचर के ऊपर। एंड जिस जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मासेस मीट करते हैं उस जगह पे ये जेट स्ट्रीम जो है बनते हैं एंड ये मेनली 0 to 20 degree लैटिट्यूड के आसपास ये फॉर्म होता है। एंड इनका स्पीड समर के टाइम में 110 मतलब किलोमीटर पर आवर एंड विंटर के टाइम में 184 किलोमीटर पर आवर होता है। तो जेट स्ट्रीम क्या है अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम क्या है ये सब आपको लिखना है एंड उनके साथ साथ इनके बाद भी है जेट स्ट्रीम का टाइप्स क्या क्या है ये सब भी आप अगर लिख दोगे तो आंसर मतलब अप्रोप्रिएट होगा, जस्ट 3 marks में अगर आ जाए तो ये सभी आपको लिखना है। तो ये गया जेट स्ट्रीम क्या है ये। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम में ये बहुत सारे टाइप्स का जेट स्ट्रीम है एक्चुअली, बट यहाँ पे आपको इस मतलब क्लास में इतना ज़रूरी नहीं है तो जितना ज़रूरी है मैं बस उतना ही यहाँ पे बोलूँगी। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ये है कि टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम में ये एक है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्या है, दिस जेट स्ट्रीम बेस्ट डेवलप इन विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। तो विंटर के टाइम में एंड अर्ली स्प्रिंग जो टाइम होता है उस टाइम में ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है बहते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च इस टाइम में ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है बहते हैं। इस फाउंड अबाउट 30 to 35 degree लैटिट्यूड एंड 30 to 35 degree लैटिट्यूड के आसपास ये जेट स्ट्रीम जो है ये मतलब ये हम देखते हैं। देयर मैक्सिमम स्पीड अक्रॉस 300 knots एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज प्रोड्यूस्ड बाई द अर्थ रोटेशन, मतलब कोरियोलिस फोर्स एंड टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजियन। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजियन में जैसे यहाँ पे ये है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो रीजियन होता है उनके, ये है ट्रॉपिकल रीजियन एंड ये है सब ट्रॉपिकल रीजियन, इन दोनों रीजियन के मतलब बीच में क्या होता है जो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है ये मतलब जनरेट होता है। जैसे ये जो है यहाँ पे हमने दिखाया है ऐसे मेंडर के तरह ये बहते हैं, मेनली जेट स्ट्रीम जो है मेंडर की तरह बहते हैं ऐसे बेंड होके। तो ये है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो मतलब कोरियोलिस फोर्स एंड टेम्परेचर इन दोनों के कंट्रास्ट में ये मतलब इनका उत्पत्ति होता है एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजियन के बीच में ये बहते हैं। ये नीचे का पार्ट है ट्रॉपिकल रीजियन, ऊपर का पार्ट है सब ट्रॉपिकल रीजियन, तो इन दोनों के बीच में ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है बहते हैं। हमने पिछले स्लाइड में क्या कहा था, जेट स्ट्रीम कहाँ पे बनते हैं, जिस जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मासेस मीट करते हैं उस जगह पे जेट स्ट्रीम जो है बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो ये ट्रॉपिकल एरिया में जो एयर मासेस है ये हॉट एयर मासेस है ट्रॉपिकल एरिया में एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में, उससे अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ा कोल्ड एयर मासेस है। तो ये दोनों एयर मासेस जिस जगह पे मीट करते हैं उस जगह पे ये जो जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है ये बहते हैं। ठीक है, तो सब तो कोई भी जेट स्ट्रीम हो अगर मतलब टाइप्स में बहुत सारे जेट स्ट्रीम है तो सभी जेट स्ट्रीम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मासेस जिस जगह पे मीट करते हैं उस जगह पे मतलब ये डेवलप होता है। जैसे यहाँ पे डेवलप हुआ है, यहाँ पे ट्रॉपिकल का जो पार्ट है ट्रॉपिकल एयर मासेस है एंड यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजियन है, यानी इन दोनों के बीच में ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, क्लोजली कनेक्टेड टू द इंडियन एंड अफ्रीकन समर मानसून। तो ये जो मतलब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये मेनली इंडियन जो मानसून होता है एंड अफ्रीकन जो मानसून होता है इन मानसून के पार्ट में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम।
तो सब ट्रॉपिकल जेस्ट्रीम में हमने क्या क्या देखा, दिस जेस्ट्रीम डेवलप मेनली इन विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। विंटर के टाइम में हम मेनली ये सब ट्रॉपिकल जेस्ट्रीम जो है हम देखते हैं, ठीक है। एंड ये मेनली 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ये फॉर्म होता है। इनका मैक्सिमम स्पीड क्या है, 300 नॉट है इनका मैक्सिमम स्पीड। एंड ये मेनली कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ट्रॉपिकल रीजियन एंड सब ट्रॉपिकल रीजियन, इन दोनों के बीच में ये जो है सब ट्रॉपिकल जेस्ट्रीम जो है ये डेवलप होता है। एंड ये इंडियन एंड अफ्रीकन जो मॉनसून होता है इनके साथ ये क्लोजली कनेक्टेड होता है, मतलब इन दोनों के मतलब इंडियन एंड अफ्रीकन मॉनसून में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये गया सब ट्रॉपिकल जेस्ट्रीम जो मेनली विंटर के टाइम में मतलब फॉर्म होता है, डेवलप होता है एंड विंटर के टाइम में बहते हैं जो जेस्ट्रीम। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेस्ट्रीम। तो उस पार्ट में हमने देखा था सब ट्रॉपिकल जेस्ट्रीम, अब देखते हैं हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेस्ट्रीम। ऑकर्स नियर द ट्रोपोपॉज ओवर साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका ड्यूरिंग समर। तो ये मेनली समर के टाइम में हम देखते हैं। पिछले टाइप्स में हमने क्या देखा था, सब ट्रॉपिकल जेस्ट्रीम जो था वो विंटर के टाइम में डेवलप होता था एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेस्ट्रीम जो है ये मेनली समर के टाइम में डेवलप होता है एंड मेनली ट्रोपोपॉज एरिया में ऐसे साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका इस जगह पे ये होता है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया क्या है, ये जो पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका का ये जो पार्ट है, तो इस जगह पे ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेस्ट्रीम जो है ये फॉर्म होता है, ठीक है, समर के टाइम में। एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेस्ट्रीम इज फाउंड नियर बिटवीन 5 degree to 20 degree लैटिट्यूड। तो ये मेनली 5 degree to 20 degree लैटिट्यूड के आसपास ये बहते हैं। जैसे यहाँ पे ये है इक्वेटर, ये गया इक्वेटर, तो इनके आसपास 5 degree to 20 degree लैटिट्यूड के आसपास यहाँ पे जो रेड कलर का ये जो पॉइंटर किया गया है, ये पॉइंटर जो है यही है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेस्ट्रीम, ठीक है। तो ये 5 degree to 20 degree लैटिट्यूड के आसपास ही है, यहाँ पे इंडिया के बिल्कुल साउदर्न पार्ट के ऊपर से गए है, ये इंडिया के बिल्कुल साउदर्न पार्ट जो है 20 degree लैटिट्यूड के आसपास है, तो इस जगह से ये गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, दिस जेट इम्प्लाइज अ डीप लेयर ऑफ वार्म एयर टू द नॉर्थ ऑफ द जेट एंड कोल्डर एयर टू द साउथ ओवर द इंडियन ओशन। तो ये जो मतलब जेट स्ट्रीम जो है, ये रेड कलर का ये जो जेट स्ट्रीम का हमने यहाँ पे पॉइंट किया है, तो जेट स्ट्रीम का नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, वार्म एयर डेवलप होता है, ठीक है। डीप लेयर ऑफ वार्म एयर टू द नॉर्थ ऑफ द जेट, तो ये जो जेट स्ट्रीम है इनका नॉर्थ क्या होगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ एंड ये है वेस्ट एंड ये है ईस्ट। तो ईस्ट जेट स्ट्रीम का नॉर्दर्न पार्ट में मतलब इस जगह पे क्या होता है, वार्म एयर होता है, इनके साउदर्न पार्ट में इस जगह पे होता है कोल्ड एयर, मतलब इंडियन ओशन में, ये जो पार्ट है इंडियन ओशन का पार्ट है, तो इंडियन ओशन के पार्ट में होता है कोल्ड एयर एंड इनके नॉर्दर्न पार्ट में मतलब इंडिया के इस ऊपर में इस एरिया में होता है वार्म एयर, ठीक है। द डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग एंड द प्रेशर ग्रेडियंट ड्राइव्स दिस जेट। एंड ये जो हीटिंग एंड कूलिंग का ये जो डिफरेंसिएशन है, मतलब ऊपर का पार्ट गर्म है नीचे का पार्ट ठंड है, तो ये जो डिफरेंस होता है यहाँ पे एंड प्रेशर ग्रेडियंट का भी इसलिए यहाँ पे डिफरेंस होता है, तो ये ही इस जेट स्ट्रीम को ड्राइव करते हैं, मतलब इनकी वजह से ही जेट स्ट्रीम फॉर्म होता है एंड ब्लो करते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में मेनली हम क्या क्या देखते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये मेनली समर के टाइम में बहते हैं, ठीक है। एंड ये 5 degree to 20 degree लैटिट्यूड के आसपास ये बहते हैं, ठीक है। एंड इनके नॉर्दर्न पार्ट में मतलब जिस जगह से ये जेस्टिंग ब्लो करते हैं, इनके नॉर्दर्न पार्ट में होता है वार्म एयर एंड साउदर्न पार्ट में होता है कोल्डर एयर। नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है, इंडियन कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है एंड साउदर्न पार्ट के पार्ट में क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है। एंड ये जो डिफरेंस है मतलब हीटिंग एंड कूलिंग का ये जो डिफरेंसिएशन है, इनके वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट बनते हैं, तो वो उसके वजह से ही ये जेट स्ट्रीम जो है डेवलप होता है। ये दोनों टाइप में आपको समझ में आया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो सब ट्रॉपिकल जेस्ट्रीम जो है ये विंटर में बहते हैं, ठीक है। एंड ईस्टर्ली जेस्ट्रीम है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेस्ट्रीम जो है वो मेनली समर के टाइम में बहते हैं। सब ट्रॉपिकल जेस्ट्रीम है ये मेनली 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ये सिचुएटेड होता है एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेस्ट्रीम जो है वो 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ये सिचुएटेड होता है। एंड ये सब ट्रॉपिकल जेस्ट्रीम जो है इनका मैक्सिमम स्पीड है 300 नॉट्स एंड सब ट्रॉपिकल मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजियन के बीच में ये बहते हैं। एंड ईस्टर्ली जेस्ट्रीम जो है ये कहाँ पे बहते हैं, ये इनके बाद ऐसे 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, जैसे यहाँ पे 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास यहाँ पे ये ईस्टर्ली जेस्ट्रीम जो है ये बहते हैं, ठीक है। एंड सब ट्रॉपिकल जेस्ट्रीम एंड ईस्टर्ली जेस्ट्रीम, इन दोनों जेस्ट्रीम ही मतलब इंडियन मानसून में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हम देखेंगे इनके बाद इंडियन मानसून में ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं।
तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जी स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल जी स्ट्रीम, इन दोनों को आपको समझ में आ गया है। एंड नेक्स्ट और एक टाइप है जैसे पोलर नाइट जी स्ट्रीम मेंडर थ्रू द अपर स्ट्रेटोस्फीयर, ये मेनली अपर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर से बहते हैं। और हमने ये क्या देखा था, ये जो सब ट्रॉपिकल जी स्ट्रीम था ये अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर के ऊपर से बहते थे। एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जी स्ट्रीम जो है ऑकर नियर द ट्रोपोपॉज, एंड सब ट्रॉपिकल जी स्ट्रीम जो है वो मेनली अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर के ऊपर से बहते हैं। एंड पोलर नाइट जी स्ट्रीम जो है अपर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर से बहते हैं, मतलब ट्रोपोस्फीयर के भी ऊपर का जो लेयर होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर के भी ऊपर का जो लेयर होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर से ये पोलर नाइट जी स्ट्रीम जो है बहते हैं। इनके नाम से ही आपको पता चल रहे हैं, जैसे ये पोलर नाइट जी स्ट्रीम है मतलब पोल है इनमें, तो पोल एरिया में ही ये बहेगा, नॉर्थ पोल के एरिया में, साउथ पोल के एरिया में। ठीक है, डेवलप इन द विंटर सीजन, ये मेनली विंटर सीजन में डेवलप होता है ड्यू टू स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है उनके ऊपर ही निर्भर करके ये विंटर के सीजन में डेवलप होता है। ओवर द पोल्स दे आर प्रेजेंट इन द कन्वर्जेंस जोन अबव द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। पोल एंड सब पोलर लो प्रेशर एरिया का जो कन्वर्जेंस मतलब जोन होता है उस जोन में ये बहते हैं। ये सब पोलर जोन एंड ये पोलर जोन इनके कन्वर्ज मतलब ये दोनों एरिया कन्वर्ज होता है इस जगह पे पोलर इस फ्रंट एरिया में। तो यहाँ पे ये जो जेट स्ट्रीम है ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, इस जेट स्ट्रीम ये बहते हैं, ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो है। तो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम मेनली पोल एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट इन दोनों के बीच का जोन में बहते हैं। एंड सब पोलर जो जेट स्ट्रीम है वो मेनली सब ट्रॉपिकल जो रीजियन है एंड ट्रॉपिकल जो रीजियन है इन दोनों के बीच में ये इस जोन में ये बहते हैं। एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल जो रीजियन है इन दोनों के बीच में बहते हैं 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। ये गया जेट स्ट्रीम एंड टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जेट स्ट्रीम जो है इनका इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून, मतलब ये जेट स्ट्रीम इंडियन मानसून में क्या इम्पैक्ट करती है। तो इफेक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन इंडिया, साउदर्न ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन द विंटर वेदर इन इंडिया। तो ये सब पोलर जो जेट स्ट्रीम है, ठीक है, सब पोलर जो जेट स्ट्रीम है ये इंडियन वेदर में विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस विच एंटर इंडिया फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड आर ब्रॉट इन टू इंडिया बाई द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये जो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये हमने क्या कहा था 30 to 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ये बहते हैं। सब पोलर जो जेट स्ट्रीम है वही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। तो ये वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है ये 30 to 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास बहते हैं जो मेनली इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। ठीक है, तो ये इनके वजह से इंडिया में क्या होता है, इधर अगर आप देखोगे तो इंडिया के इस साइड में इस तरफ है मेडिटेरेनियन सी जो है वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखोगे तो उस जगह पे मेडिटेरेनियन सी में क्या जनरेट होता है विंटर के टाइम में, मेनली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो जनरेट होता है। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर आते हैं विंटर के टाइम में। हम जानते हैं क्या ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बहते हैं, तो ये मेनली मेडिटेरेनियन सी से इंडिया में घुसते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब साइड से घुसते हैं, इसलिए इसे हम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये कहते हैं, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट से ही आते हैं इसलिए। एंड ये मेनली ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इनके वजह से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में घुसते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ जो इंडियन वेदर में मतलब होता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से विंटर के टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है एंड वो मेनली ये जेट स्ट्रीम के वजह से इंडिया में आते हैं। ठीक है, द सब पोलर जेट स्ट्रीम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मानसून विंड एज वेल एज इन क्विक ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून। एंड मानसून विंड में भी ये सब पोलर जेट स्ट्रीम जो सब ट्रॉपिकल ये जो जेट स्ट्रीम है ये बहुत इंपैक्ट करते हैं। एंड इनके वजह से क्या होता है इंडिया में मानसून जो मतलब जिस टाइम में आते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा मतलब क्विक ऑनसेट होता है इनका, मतलब पहले चले आते हैं ये सब पोलर जेट स्ट्रीम के वजह से इंडियन मानसून में, ये मानसून विंड जो है पहले आते हैं इंडिया में, तो उनके वजह से पहले से ही मतलब बारिश वगैरह शुरू हो जाते हैं। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है इनके वजह से इंडिया में मेनली क्या होता है, ये मेडिटेरेनियन सी में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उत्पत्ति होता है जनरेट होता है उसको इंडिया में मतलब लाने में ये हेल्प करते हैं, मतलब इनकी वजह से ही ये इंडिया में आते हैं। एंड इनकी वजह से विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड होता है एंड बारिश भी होता है इनके वजह से। एंड ये इंडियन मानसून में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब करते हैं, जैसे इनके वजह से इंडियन मानसून जो है पहले चले आते हैं, मतलब टाइम से पहले चले आते हैं।
नेक्स्ट क्या है, द ब्रास्ट ऑफ मॉनसून डिपेंड अपन द अपर एयर सर्कुलेशन विच इज डोमिनेटेड बाय सब ट्रॉपिकल जे स्ट्रीम। ठीक है, तो ब्रास्ट ऑफ मॉनसून मतलब क्या है, जब बहुत ज्यादा बारिश होता है उसे हम कहते हैं ब्रास्ट ऑफ मॉनसून। ये मेनली अपर एयर सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अपर एयर सर्कुलेशन क्या है ये भी हमने पिछले वीडियो में हमने कहा है, जो फैक्टर्स हमने कहा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियन क्लाइमेट, उनमें अपर एयर सर्कुलेशन भी है, आप वहाँ पे देख लेना अपर एयर सर्कुलेशन क्या है। ठीक है, इनके वजह ये सब डोमिनेटेड होता है सब ट्रॉपिकल ये जे स्ट्रीम की वजह से। ड्यूरिंग समर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्ली जे स्ट्रीम, एंड समर के टाइम में क्या होता है हमने कहा था पिछले जो टाइप्स में, जो समर के टाइम में ईस्टर्ली जे स्ट्रीम जो है वो ब्लो करते हैं, जैसे ये है ईस्टर्ली जे स्ट्रीम जो समर के टाइम में ब्लो करते हैं, वो कहा था 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। ठीक है, तो ये इंडिया के साउदर्न पार्ट में हुआ, एंड ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जे स्ट्रीम है ये 30 to 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास, तो ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हुआ। तो समर के टाइम में ईस्टर्ली जे स्ट्रीम जो है इंडिया के साउदर्न पार्ट के ऊपर से बहते हैं। ठीक है, एंड इनकी वजह से क्या होता है समर टाइम में, एंड ये जो ईस्टर्ली जे स्ट्रीम है ये मेनली जून के टाइम में बहते हैं, जिस टाइम में मानसून विंड आते हैं इंडिया में उस टाइम में ये वहाँ पे बहते हैं। उनका स्पीड होता है 90 किमी पर आवर। ठीक है, एंड अगस्त के टाइम में ये 15 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास चले जाते हैं, एंड सितंबर में 22 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास चले जाते हैं। मतलब ये जो सीजन टू सीजन ये मतलब जाते हैं, वैरी करते हैं कहाँ पे होगा। तो जून के टाइम में मेनली इंडिया के बिल्कुल साउदर्न पार्ट में, जहाँ से इंडियन मॉनसून आएंगे इंडिया में, तो उस जगह पे ये रहते हैं। उनके बाद जून के बाद अगस्त के टाइम में, मतलब जिस टाइम में मतलब ये मॉनसून जो है जाने का टाइम होता है, तब 50 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास रहते हैं, एंड सेप्टेम्बर में 22 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास रहते हैं। एंड ईस्टर्ली नॉर्मली डू नॉट एक्सटेंड टू द नॉर्थ ऑफ द 30 डिग्री लैटिट्यूड इन द अपर एटमोसफियर। तो ये मेनली 30 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर नहीं जाता है। सब ट्रॉपिकल जे स्ट्रीम जो है ये अगर आप देखोगे इंडिया के इस जगह पे नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, जैसे यहाँ पे है नॉर्दर्न पार्ट में है, ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये साउदर्न पार्ट में सबसे पहले यहाँ पे रहते हैं जून के टाइम में, उनके बाद उनके ऊपर थोड़ा चले जाते हैं, उनके बाद उनके ऊपर थोड़ा चले जाते हैं, बट 30 डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, उनके अंदर ही ये रहते हैं, मतलब 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर ही ये रहते हैं। एंड द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कंट्रोल द ट्रॉपिकल डिप्रेशन इन इंडिया, एंड दिस डिप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल ओवर इंडिया। जो डिप्रेशन क्रिएट होता है उनके वजह से जो बारिश होता है ये सब ईस्टर्ली जे स्ट्रीम कंट्रोल करते हैं। एंड ये डिप्रेशन जो है ये मेनली मानसून रेनफॉल के ऊपर मतलब मानसून रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि जिस जगह पर डिप्रेशन क्रिएट होगा उस जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होंगे। तो ठीक है, द पाथ ऑफ दिस डिप्रेशन आर द एरिया ऑफ हाइस्ट रेनफॉल इन इंडिया। एंड डिप्रेशन जिस जिस जगह पर क्रिएट होता है एंड जिस जगह मतलब जिस जिस एरिया के से ये बारिश करते हैं, तो उस एरिया में मॉनसून के टाइम में बहुत ज्यादा बारिश होता है। तो ये डिप्रेशन जो है मेनली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कंट्रोल करते हैं। तो जिस जगह पे डिप्रेशन ये होगा उस जगह पे ज्यादा बारिश होगा, तो इनके वजह से क्या होते रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी इनके वजह से इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मेनली जो ट्रॉपिकल जो डिप्रेशन क्रिएट होता है इंडिया में मेनली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इनके वजह से क्या होगा, जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कंट्रोल होगा। डिप्रेशन जिस जगह पे होगा उस जगह पे ज्यादा रेनफॉल होता है, तो इसलिए जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से क्या होता है रेनफॉल जो है ये कंट्रोल होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिप्रेशन देयर डिटेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑल डिटरमाइन द रेनफॉल पैटर्न ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। एंड ये जो डिप्रेशन है ये मेनली मतलब डिटरमाइन करते हैं कितना बारिश होगा एंड रेनफॉल का पैटर्न कितना होगा एंड मानसून विंड का इंटेंसिटी ये भी कितना होगा। मतलब डिप्रेशन जिस जिस जगह पे होगा इनका पथ मतलब ये जिस जिस जगह के ऊपर से जाएगा जिस जिस जगह के ऊपर से ये जाएगा तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होगा। तो इनके वजह से डिप्रेशन अगर क्रिएट होगा तो ज़्यादा बारिश होंगे, तो इंटेंसिटी कितना होगा रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा रेनफॉल का ये सभी ये इस डिप्रेशन के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये डिप्रेशन जो है ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट हुआ इनमें, तो इंडिया के मानसून में मेनली जो जेट स्ट्रीम है इनका इफेक्ट क्या है, दो जेट स्ट्रीम का इफेक्ट है इंडिया के मानसून में, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है एंड जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है, इन दोनों का इम्पैक्ट है इंडिया के इंडियन मानसून के ऊपर। ठीक है, तो मेनली जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास सिचुएटेड होता है, वो मेनली इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट है। तो उस जगह पे इंडिया के विंटर के टाइम में क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी में जो मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो ऑरिजिन होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में लेके आते हैं ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है करते हैं इंडिया के वेदर में। एंड सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये मेनली समर के टाइम में
इंडिया के साउदर्न पार्ट में रहते हैं, 5 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। तो मतलब समर के टाइम में जून टू सेप्टेम्बर में ये इनका जो पोजिशन है चेंज होता है। जून के टाइम में 5 डिग्री के आसपास रहते हैं एंड अगस्त के टाइम में 20 डिग्री के 15 डिग्री के आसपास रहते हैं एंड 22 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास रहते हैं कब, सेप्टेम्बर के टाइम में, मतलब ये चेंज होते रहते हैं बट 30 डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस नहीं करते हैं कभी। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है ये मेनली जो डिप्रेशन क्रिएट होता है मानसून के टाइम में, मतलब जिस डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होता है, उस डिप्रेशन को ये कंट्रोल करते हैं। मतलब डिप्रेशन होगा कि नहीं होगा और किस जगह पे होंगे, लेट होंगे क्या, अर्ली होगा, तो ये सब ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के ऊपर निर्भर होता है। एंड ये डिप्रेशन जो है इंडियन मानसून में कितना बारिश होगा मानसून के टाइम में एंड बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, मतलब किस किस जगह पे ये बारिश होंगे ये सब एंड इंटेंसिटी ऑफ ये बारिश का इंटेंसिटी क्या होगा, मॉनसून का इंटेंसिटी क्या होगा, ये सभी इनके ऊपर, इस डिप्रेशन के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये डिप्रेशन कंट्रोल करती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। आई थिंक आपको समझ में आ गया इंडियन वेदर में जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट क्या है। मेनली जो टू टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इन दोनों जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट है इंडियन मॉनसून में, ठीक है। तो टोटल इस पार्ट में हमने क्या देखा, यहाँ से टू टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, जेट स्ट्रीम क्या है ये हो सकते हैं एंड इंडियन मॉनसून में जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट क्या है ये हो सकते हैं। तो जेट स्ट्रीम क्या है, मेनली ये है जियोस्ट्रॉपिक विंड एंड ये हॉरिजेंटली बहते हैं एंड वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में ये बहते हैं एंड अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर में ये बहते हैं एंड सरफेस टेम्परेचर जो है इनके ऊपर ये जेट स्ट्रीम कैसे फॉर्म होगा ये निर्भर करते हैं। एंड ये 20 डिग्री लैटिट्यूड टू पोल्स, मतलब 20 डिग्री लैटिट्यूड से पोल तक इनका पूरा विस्तार होता है। एंड जेट स्ट्रीम का टाइप्स में हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, इनको छोड़ के भी और भी बहुत टाइप का जेट स्ट्रीम है बट इंडियन मॉनसून में ये मेनली टू टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम का ही इम्पैक्ट है। तो इसलिए आपके चैप्टर में भी बस इतना ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इतना ही बोला है। आप इतना ही लिखोगे तो आंसर बन जाएगा, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एक है, तो सब ट्रॉपिकल टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम में क्या है, एक है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये मेनली 32-35 डिग्री के आसपास ये जो है ये बहते हैं। इनका स्पीड है 300 नॉट, विंटर के टाइम में मेनली हम ये देखते हैं एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच में ये जो है जोन जो है वहाँ पे ये सिचुएटेड होता है एंड इंडियन मॉनसून में ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो क्या है, ये समर के टाइम में बहते हैं एंड ये 5-20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास बहते हैं एंड इन ये जो जेट स्ट्रीम है इनके नॉर्दर्न पार्ट में होता है वार्म एयर एंड साउदर्न पार्ट में होता है कोल्ड एयर, ठीक है। एंड पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो है ये यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे एक छोटा करके यहाँ पे बोला है। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो है ये पोल में सिचुएटेड होता है, जो पोलर जो एरिया है एंड सब पोलर जो एरिया है, इन दोनों एरिया जिस जगह पे कॉन्ट्रास्ट करते हैं, मतलब जिस जगह पे मार्ज होता है उस जगह पे ये पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो है ये सिचुएटेड होता है। ये मेनली विंटर टाइम में सिचुएटेड होता है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। एंड जेट स्ट्रीम इंडिया में इफेक्ट क्या करते हैं, मेनली सब ट्रॉपिकल सब पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, ये दोनों जेट स्ट्रीम का ही इंपैक्ट है इंडियन मॉनसून में। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो मेनली विंटर के टाइम में वेस्टर्न डिस्टरबेंस को इंडिया में लाते हैं एंड इंडिया के वेदर में बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये समर के टाइम में मॉनसून का जो डिप्रेशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये गया आज का पूरा पार्ट। आज के पूरे पार्ट में हमने जेट स्ट्रीम एंड मॉनसून में जेट स्ट्रीम का क्या इंपैक्ट है इसको हमने देखा, ठीक है। तो आज के पार्ट से अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिनो लालिना एंड एनसो एंड इनका इंडियन मॉनसून में मॉनसून के साथ क्या रिलेशन है, मतलब इंडियन मॉनसून में क्या इंपैक्ट करते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज यही तक ही है, मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।